हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो केक की डेकोरेशन शेयर करने जा रही हूँ वो एक चॉकलेट केक की डेकोरेशन है और ये एक बर्थडे केक था। तो इसके लिए मैंने 6 इंच के मोल्ड का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने जो स्पॉन्ज बनाया है वो प्रीमिक्स से बनाया है, चॉकलेट प्रीमिक्स से। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच का जो बोर्ड, केक बोर्ड है वो यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने केक के स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने केक के फर्स्ट लेयर को सबसे पहले मैंने चॉकलेट सिरप से सोक कर लिया है। और चॉकलेट सिरप को बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंने थोड़ा सा पानी में जो गनाश बनाया था उसी को मिला करके चॉकलेट सिरप रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने क्रीम की फर्स्ट लेयर दे दी है। और यहाँ पे चॉकलेट क्रीम को बनाने के लिए मैंने जो क्रीम है उसमें चॉकलेट गनाश को मिक्स करके यहाँ पे चॉकलेट क्रीम रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर क्रीम देने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है चॉकलेट गनाश जो बनाया हुआ था उसे मैंने दे दिया है। दे करके इसे उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स जो है वो दिए थे, क्योंकि ये चॉकलेट केक है फ्रेंड्स। तो चॉकलेट केक में जितना भी आप चाहो गनाश और जो चॉको चिप्स देते हैं ना, उससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने सेम तरीके से मैंने दूसरी लेयर रख दी है, उसके ऊपर फिर से मैंने चॉकलेट सिरप से सोक कर लिया है। सोक करने के बाद मैंने केक क्रीम की जो है सेकेंड लेयर दे दी है। देने के बाद उसे फिर से मैंने गनाश दिया है और उसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। देने के बाद वहाँ पे मैंने चॉको चिप्स इस पर भी दिया हुआ था। देने के बाद इसकी जो थर्ड लेयर है वो दे देंगे। और उसके बाद सेम प्रोसेसिंग में हम अपना जो है केक की लेयरिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्रम कोट कर लिया है। क्रम कोट करने के बाद केक को जो है मैं आधा घंटे के लिए मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। जब भी फ्रेंड्स आप केक की जो फाइनल फ्रॉस्टिंग है वो करें तो उसके पहले केक को क्रम कोट कर करके फ्रिज में ज़रूर रख दें। इससे जो होता है ना, केक अच्छे से सेट हो जाता है और जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं तो हमारी केक में बहुत अच्छे से फाइनल आइसिंग होती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक बनाया था, बट इसका जो आउटर लेयर था वो मुझे वाइट कलर का करना था। तो मैंने वाइट कलर की क्रीम में क्रीम को इसे पाइपिंग बैग के मदद से चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है और पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इसे स्मूथ फिनिशिंग दे रही हूँ। तो मुझे जब भी केक की जो आइसिंग करनी होती है ना, उसको हमेशा मैं पाइपिंग बैग में लेकर के ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, केक की क्रीम जो है वो आपका परफेक्ट चारों तरफ इक्वली लगता है और हमारा एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो नहीं लगता है। तो इससे बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द कम टाइम में जो है आइसिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है और स्क्रैपर की मदद से केक को अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। केक की परफेक्ट फिनिशिंग होने के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से इसे एक साइड में इसके पैटर्न की तरह एक बना दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गनाश से जो है वो ड्रिपिंग्स कर दी है। तो यहाँ पे जो मैंने गनाश बनाया है फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने 2:1 का रेशियो लिया है, मतलब आपका 2 भाग चॉकलेट का और 1 भाग जो है वो मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। इससे जो है हमारे ड्रिपिंग्स जो है बहुत ही अच्छे बनती है इस रेशियो में, पर ये कभी कभी वेरी करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके बाद जब मैंने ड्रिपिंग्स कर ली हैं तो यहाँ पे मैंने 1 mm की नोज़ल यूज़ की है और 1 mm की नोज़ल से मैंने यहाँ पे पूरे केक में एक रोजेट जैसा बना लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल एक डेकोरेशन था, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था मुझे। रोजेट्स बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर जो चेरीज आते हैं ना, तो ये मेरा पैक्ड चेरीज था, तो उसी को मैंने सारे रोजेट्स के ऊपर लगा दिए हैं। और बचा हुआ जो गनाश था उसे मैंने मिडिल पोर्शन में अच्छे से पूरे फैला दिया। फैला करके मैंने यहाँ पे कुछ चॉकलेट क्रम्स थे मेरे बनाए हुए, उसको मैं अच्छे से फैला दे रही हूँ। हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।